अभी थोड़ी देर पहले हम लोग खबर दिखा रहे थे कि एक वकील साहब को पर्स मिलता है और पर्स में कितने रुपए हैं, वाइसो पानीपत ने नहीं पूछा और पर्स कौन से रंग का है वो भी नहीं पूछा। खबर चलने के बाद वकील साहब के पास फ़ोन आता है और वो शख्स जो है वकील साहब के पास पहुंच जाता है। इधर वो शख्स खड़ा है, वो मजदूर है, मजदूरी का काम करता है और वो पर्स जो है इसी का है, पूरा आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वकील साहब जो है पैसे उन्हें देंगे। आपके कहाँ गिरे थे पैसे? रास्ते में इस्लाम के तेज रहता आ रहा था, मैं पंचर लगा के साइकिल वो रास्ते में गिर गया जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? देशराज जी। देशराज, क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ भाई। ये पैसे कहाँ, किसी को देने थे? मतलब रूटीन के पैसे हैं ये? नहीं, वैसे रूटीन के पैसे है भाई। अच्छा, फिर वकील साहब को फ़ोन किया आपने? मैंने मान लिया किसी व्यापारी का था ना, उसने मेरे फ़ोन किया, फिर बाजू फ़ोन किया बनाई। अच्छा, हाँ। तो इनका वकील का कैसे पता लगा यहाँ पे हैं? इनसे बात होगी आपकी फिर? नहीं, इनसे नहीं, दूसरे से 167 वाले से हुई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वकील साहब आपने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया कि यही है? अच्छा, पर्स में आपने देखा कुछ? फोटो है इसके और फोटो है इसके। ये पर्स में क्या क्या है? 42.5 रुपये भाई, मेरे बच्चों की फोटो है। अच्छा, बस मेरा आइडेंटी कार्ड रेलवे पास, रेलवे के पास आई। आपने ये सारी हैं इसके अंदर? सारी है, हाँ सारी जी। आप एक बार निकालिए जी, एक बार पर्स एक बार चेक करिए जी। तो ये खबर का असर भी है और अब वकील साहब जो है देने जा रहे हैं 42.5 रुपये हैं। ये गरीब परिवार के लिए बहुत पैसा होता है। एक बार चेक करो जी आप ये पेमेंट और ये आई कार्ड। आई कार्ड कौन सा है, किस चीज़ का? ये रेलवे का। रेलवे का है, एक बार देखिए जी। यही है। क्या नाम आपको? देशराज। ये देशराज का है, ये रेलवे का पास है ये, और सही हाथों में जो है अब ये पेमेंट पहुंच चुकी है और 42.5 रुपये हैं। एक बार ये गिन लीजिए आपके सारे। यही है ना आपका पर्स? हाँ जी जी, यही है जी, बिल्कुल। हाँ, करीब 42.5 रुपये हैं और गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम ये होती है। और वकील साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। हाँ जी, भगवान आपकी ज़िंदगी, भगवान आपकी लंबी उम्र करा जी, आपका रोजगार बढ़ाओ भाजी, आपको भगवान शुभकामना देवा जी। गरीब आदमी ने अपना पर्स लौटा दिया जी मेरे लिए, तो भाजी भगवान के समान हो भाजी मेरे को, ठीक है। मैं तो जी बहुत परेशान हो रहा था भाई, मेरे मान लिया 1 महीने की कमाई चली गई भाई। मैंने 2-3 चक्कर काटे वहाँ, किसी मेट्रो उसको पूछा, मेट्रो वाला पूछा, टेम्पो वाला पूछा भाई, किसी ने मेरे को उन्होंने बताया कि भाई नहीं, हम तो अपने यहाँ बैठे भाई, मेरे किसी ने उन्होंने कहा भाई मारो को मिला। मैंने वहाँ 2 चक्कर काटे भाई, वहाँ उसकी जो जहाँ पे मैं रिक्शा में पंचर लगा रखे था, मैंने लुआ था, तो वहाँ पे भी गया मैं भाई। मैं ले मोबाइल नंबर तो कोई था नहीं ना, मेरा कोई आपका किसी किस्म का ऐसा एड्रेस भी नहीं था जिसमें तुरंत पहुँच जाता ना, ना, लेकिन मैंने इसमें देखा कुछ कार्ड और कंपनियों के पड़े थे, मैंने उन कंपनियों को टेलीफोन करने शुरू करे, उन्होंने कहा जी हम अपना रिकॉर्ड देखते हैं, इस नाम का कोई आदमी होता है हम आपको बताते थे। फिर उन कंपनी से मेरे को टेलीफोन आया कि इस नाम का एक रिक्शा वाला ज़रूर है, उसको हम कॉन्टैक्ट करते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट इससे किया, उन्होंने इसको बताया, फिर ये आया, मैं इस ठंड थी, मेरे को चाय वगैरह पिलाई, इसकी चेहरे बड़ी खुशी थी कि मेरे को मेरे पैसे मिल गए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि एक सच्चा आदमी की जो मेहनत है वो सफल लाई, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो आदमी सच्चाई से दुनिया में काम करता है उसको शांति स्थाई मिलती। मैंने पीछे भी वीडियो पे ये बयान दिया था कि जो आदमी पैसे से शांति नहीं प्राप्त कर सकता, हो सकता है मैं आज 10,000 रुपये कमा लेता, 1,00,000 कमा लेता, मुझे शांति तो भी नहीं मिलती। जो मुझे आज एक गरीब आदमी की सेवा करने से, अर्थात एक गरीब आदमी का जो हक था मैंने उसको दिला दिया, मिल गया उसको, उसके चेहरे में खुशी देख रहा हूँ। आप दुआ मांग रहे थे, दुआ मांग रहा था इसके लिए कि खुदा जिसका ये पैसा है गरीब आदमी का उसको जरूर दिला दे, क्योंकि मेरे तो पैसे मेरे नहीं मिले, मेरे पैसे इसलिए नहीं मिले कि मेरे पैसे की गरीब आदमी को जरूरत थी वो इसलिए नहीं मिले, लेकिन इसको जरूरत थी 5,000 की। मैं आज सभी जनता को ये आज यहाँ से इस धरती से, ये एक न्याय का मंदिर है, यहाँ से लोगों को एक चीज़ के लिए आह्वान करता हूँ कि सुनने वाले आज से नैतिकता का प्रतिबद्ध हो जाए, कि देखो कोरोना आ रहा है, क्या पता किसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक नहीं है, तो इसलिए नैतिकता का पालन करें, जो नैतिकता से आपको शांति, स्थाई शांति मिलेगी भैया। अब ये देखो मुझे पता नहीं कितने दिन तक ये आभास होता रहेगा, अरे भाई मैंने किसी के पैसे वापस कर दिए, वो कितना मेरे को दुआ देता रहेगा, इसके बच्चे मुझे दुआ देंगे हैं, और ये बेचारा मजदूर आदमी, रक्षा चलाने वाला आदमी, मैं भी इस पैसे को खर्च कर सकता था, किसको पैसे की जरूरत नहीं है आज होती है, मैं ही 5,000 रुपये खर्च कर देता इन पैसों खर्च कर, लेकिन नहीं, मेरी आत्मा ने, मैंने खड़े होकर सोचा कि इस पैसे क्या करना चाहिए, मैंने कहा इसको पैसे को वापस करेंगे जहाँ तक अपनी एफर्ट्स होगी। तो मैं आज फिर ये विनती करूँगा सभी लोगों से नैतिकता पालन करें, और इस जगह पर मैं आज खड़े हो गए ये कह रहा हूँ, किसी गरीब आदमी का भी कोई केस हो वो मेरे पास जरूर ले के आए,
जरूर ले गए, उसका फ्री में केस लड़ेंगे। बाद में इनका एक इंटरव्यू करेंगे, लेकिन कल किसी साहब की एक चाबी गुम हुई थी, ऑटो वाला तो था भाई साहब पानीपत के ऑफिस में दे गया, वो 11,000 रुपये की चाबी थी, वो जब हमने फ्लैश किया तो मालिक जो था असली पहुंच गया। इससे पहले करीब 70,000 रुपये किसी को मिले थे, वो लोग भी भाई साहब पानीपत के ऑफिस में आए, उसका भी जो भाई साहब पानीपत के माध्यम से हमने वो 70,000 रुपये जो लुटाए थे। ऐसे कई बच्चे जो हैं समाज में गुम हो जाते हैं और भाई साहब पानीपत के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है, उस छोटी सी कोशिश की वजह से जो है वो बच्चे जो है वापस मिल जाते हैं। तो कई ऐसे केस जो है भाई साहब पानीपत के माध्यम से आते हैं। आज सुबह ये केस सामने आया, तो अब दोपहर होते होते तक जो है अभी समय जो है करीब 12:15 हुए हैं, तो 12:15 बजे तक ये जो पैसे जो है वापस मिल गए हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।